हम लोग अक्सर ऐसी DIY होम रेमेडी सर्च करते रहते हैं जिसको करने में ज्यादा मेहनत ना लगे, ज्यादा तामझाम वाला काम ना हो और फटाफट से बन जाए ताकि हम इजीली उसको लगा पाए। क्योंकि आजकल स्टूडेंट हो, कॉलेज गोइंग, ऑफिस गोइंग गर्ल हो, हर कोई इतना ज्यादा बिजी रहता है ना, टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट हाउसवाइफ भी इतनी बिजी रहती है अपने काम में, कहां से इतना टाइम निकाल पाएंगी। तो इसीलिए आप लोगों की फरमाइश पूरी करते हुए आज मैं आपको ऐसा होम रेमेडी बताऊंगी जिसको बनाना बहुत ज्यादा आसान है। मेरी ये वाली होम रेमेडी अगर रोज एक हफ्ते रात को सोने से पहले लगाते हो, जो डायरेक्शंस मैं आपको बताती हूँ वो डायरेक्शंस अच्छे से फॉलो करते हो, तो एक हफ्ते बाद आना और कमेंट करके जरूर बताना। जितने भी दाग धब्बे, ब्लेमिशेस, डार्क स्पॉट्स, एक्ने के स्पॉट्स, पिंपल होंगे ना, वो खत्म हो जाएंगे। इनफैक्ट अगर आपको रिंकल्स हो रहे हैं चेहरे पे, झुर्रियां पड़ रही है, फाइन लाइंस आ रहे हैं, उसको भी ये टाइट और चेहरे को ब्राइट ग्लोइंग बनाने में हेल्प करता है। मतलब प्रॉब्लम्स आपकी है इतनी सारी, पर सॉल्यूशन में आज आपको एक बताने वाली हूँ, क्योंकि इसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स हम यूज करेंगे जो कि किचन में मिल जाएंगे लेकिन उसका इफेक्ट आपकी सारी स्किन प्रॉब्लम्स पे होगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे इजीली आप इसको घर पे बना सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम यूज करेंगे 1 टीस्पून बेसन। दुल्हन की जब शादी होती है तो सबसे पहला मेन इंग्रेडिएंट बेसन का उपटन ही होता है। बहुत ही फायदे हैं इसके, टैन को हटाता है, ब्लेमिश हटाता है, स्किन ग्लोइंग बनाता है, तो इसीलिए बेसन। उसके बाद 1/2 टीस्पून हल्दी यूज़ करेंगे। चेहरे में जादुई निखार के लिए हल्दी का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम 1 टीस्पून चंदन पाउडर यूज़ करेंगे ताकि ये आपके पिंपल्स को क्योर करे, प्रिवेंट करे, रिंकल्स रिड्यूस करे, आपके ड्राई स्किन को हील करे, स्किन के अंदर ब्राइटनेस ग्लो लेके आए, ब्लेमिशेस को हटाए, स्किन को एक्सफोलिएट करे। चंदन के बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं। वैसे रियल चंदन जो आता है घिस करके लगाने वाला वो बेस्ट है, बट वो नहीं मिलता है तो आप पाउडर चंदन भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी यूज़ करें बस देखें कि मार्केट वाला मिलावटी ना हो, थोड़ा प्योर हो, अच्छा पैराबेन, SLS, केमिकल्स फ्री हो, क्योंकि आजकल इन चीज़ों में भी मिलावट होती है, इसलिए बोल रही हूँ। अब यहाँ पे 1 चम्मच हम दही यूज़ करेंगे। इसके अंदर अच्छे गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो आपके स्किन को नरिश करते हैं, विटामिन डी प्रोवाइड करते हैं, कैल्शियम, प्रोटीन, और आपके स्किन को ग्लोई बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है। अब हम इसके अंदर 3 ड्रॉप्स लेमन एसेंशियल ऑयल का यूज़ कर रहे हैं ताकि आपकी स्किन को टाइट करे, और अगर आपको रिंकल्स होते हैं तो ये इससे दूर करेगा। अगर आपके बहुत ज़्यादा ऑयल निकलता है स्किन से तो भी आपको टी ट्री एसेंशियल ऑयल या फिर लेमन एसेंशियल ऑयल यूज़ करना है ताकि इसको कंट्रोल करें। अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच कोकोनट कैरियर ऑयल यूज़ कर रही हूँ। नॉर्मल आप तेल यूज़ कर सकते हैं, जैसे बादाम का तेल आता है, जो प्योर बादाम का आता है वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ये वाला कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज, सॉफ्ट, स्मूथ बना देगा। ये जादुई मास्क तैयार है। इसको रोज़ रात को सोने से पहले आप लगा सकते हो। जनरली मैं मास्क फेस पे लगाने से डेली मना करती हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा माइल्ड है, आप चाहो तो इसको डेली लगा सकते हो, नहीं तो हफ्ते में 3 बार तो ज़रूर ही लगाना। अगर आप इंग्रेडिएंट्स रिप्लेस करते हो किसी और चीज़ से तो मुझे नहीं पता वो कितना इफेक्टिव होगा, लेकिन जो चीज़ें मैंने यूज़ की हैं वो बहुत इफेक्टिव है। फेस पे लगाने से पहले आप अपने गर्म टॉवल से फेस को ऐसे स्टीम दे दोगे और उसके बाद इसी डायरेक्शन में आप लगाओगे जिस डायरेक्शन में आपको दिखा रही हूँ, अपवर्ड डायरेक्शन में। कोई भी मास्क लगाओ इसी तरीके से आपको लगाना होता है, नहीं तो इसके मतलब बैड इफेक्ट्स आपको हो सकते हैं, स्किन में झुर्रियाँ वगैरह पड़ सकती है, तो इसीलिए ऊपर की तरफ खींचना होता है आपकी स्किन को ऐसे लगा करके। मैं यहाँ पर आइज़ के ऊपर भी लगा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा माइल्ड है। अगर जो इन्ग्रीडियंट मैंने यूज़ किए हैं वो सेम अगर आप यूज़ करें तो ही आप इसको आइज़ पर लगाओगे, अदरवाइज़ आइज़ पर नहीं लगाओगे, और ज़्यादा सूखने नहीं दोगे। हल्का फुल्का जब सूख जाता है 10 से 15 मिनट के अंदर तब आप इसको रब करना स्टार्ट कर दोगे। और सबसे पहले आइस के यहाँ से हटा लीजिए। अगर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सूख गया है, टाइट हो गया है, तो आप थोड़ा सा और ले लीजिए वही चंदन पाउडर का पेस्ट, और उसके बाद अपने फेस के ऊपर इसी तरह से मसाज कर दीजिए। सर्कुलर मोशन में मसाज करना है, और ये ध्यान रहे कि ज़्यादा रगड़े ना अपने स्किन को, क्योंकि आपकी स्किन है, बर्तन नहीं है, ठीक है। बाद आप इसको अपने फेस को धो लीजिए। अब धोते ही आपको स्किन में ग्लो नज़र आएगा। मैंने जो भी इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे यूज़ कर रखा है मैंने उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से ऑनलाइन अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एंड आई थिंक अभी आपको 50% ऑफ पे भी मिल जाएगा, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो आप देख लीजिए। तो इस तरीके से आपके स्किन में ये ग्लो लेकर के आता है। इस तरीके से अगर आप इसको ट्राई करते हो तो आपके स्किन में बहुत ही जादुई निखार लेकर के आता है। रोज रात 7 दिन करो और आकर के कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि कितना इफेक्ट है। हमने एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और कॉमेडी वीडियो डाली है बी हेल्दी व्लॉग्स के ऊपर, तो आप लोग वहां जाकर के देखना ना भूलें। स्क्रीन पे दिए हुए ऑप्शन में जहां मैं और मेरे हब्बी के साथ खड़ी हूं उस पे क्लिक करोगे तो आप उस चैनल को जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। बाय बाय।